हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 जो कि कल उसका फाइनल खेला गया था, और उसी पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली जो टीम है वो हमारा देश भारत है। जी हाँ, भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है, जो कि भारत ने इसको कितने बार जीत चुका है भारत अब तक? पांचवी बार। और ऐसा कारनामा करने वाला देश सिर्फ एक है, भारत, जिसने इस टूर्नामेंट को पांच बार जीता हुआ है। ठीक, उसके बाद ये, हाँ, इसका जो फाइनल है वो किन किन टीमों के बीच खेला गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली पेपर में पूछ देता है कि ये किसके किसके साथ खेला गया था। तो ये जो टूर्नामेंट है वो हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया है। किसके बीच में? भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया है ये फाइनल। ये टूर्नामेंट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित किया गया ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया है वो गया है 14 जनवरी, 14 जनवरी को इसको आयोजित किया गया था, 14 जनवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर ये आपका 5 फरवरी तक रहा है, मतलब कल इसका फाइनल खेला गया है 5 फरवरी 2022 को इसका फाइनल खेला गया, जो कि भारत ने जीत लिया है। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टीम का कैप्टन कौन रहा है। भारत की तरफ से इसको रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय टीम का जो कप्तान रहा है उसका नाम है यश धूल। क्या नाम है? यश धूल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कर लें कहीं पर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, हाँ, अंग्रेजी टीम का कप्तान, इंग्लिश टीम का कप्तान जो था उसका नाम था टॉम क्रेस्ट। क्या नाम है? टॉम क्रेस्ट। टॉम क्रेस्ट जो है अंग्रेजी टीम का कप्तान था, उसकी तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था इंग्लैंड टीम को इस टूर्नामेंट के बाद। अब आगे चलते हैं, इसके एक और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज कि इसको जीतने वाली टीम कौन सी है, वो टीम हमारी इंडिया है। क्या है? इंडिया ने इसे जीता है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है, रनर अप टीम जो हमारी रही है वो है इंग्लैंड। रनर अप मतलब, रनर अप उसको बोलते हैं जो दो पार्टी, जो टीम हारती है उसको हम लोग रनर अप कहते हैं, वो है हमारी इंग्लैंड। उसके बाद इस चीज को आयोजित किसने किया था, इसको आयोजित करने वाला जो देश था वो वेस्ट इंडीज है, उसने इसे आयोजित किया था। नेक्स्ट जो हमें जानना है इसके बारे में, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे कि इस चीज़ में, इस टूर्नामेंट में किसने क्या किया है, मतलब कौन क्या जीता है, कौन प्लेयर ऑफ द मैच। तो इस टीम के जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है डेवाल्ड ब्रैविस। क्या नाम है? डेवाल्ड ब्रैविस। ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है डेवाल्ड ब्रैविस, और इसने 506 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं? 506, और इसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। दूसरी चीज, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो है डोनिथ वेलवेज। कौन है? वेलवेज। ये जो खिलाड़ी है ये हमारा श्रीलंका टीम का है। नाम को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड का है, बट जो ये खिलाड़ी है ये आपका श्रीलंका टीम का है। इसने कितने विकेट लिए हैं? 17 विकेट लिए हैं।
इसने इस पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, इसलिए इसको ये प्राइज दिया गया है, नंबर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी रहा है ये। उसके बाद हाँ, इसमें एक पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये एक भारतीय टीम का खिलाड़ी है जिसका नाम है राज बावा। ये रहा है फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच। तो हम लोगों ने इस चीज़ में क्या क्या डिस्कशन कर लिया, सबसे पहली चीज़ हमने इसमें डिस्कशन की थी कि ये किस देश ने आयोजित किया है। सबसे पहली चीज़, इसको आयोजित करने वाला देश वेस्ट इंडीज, इसको जीतने वाला देश भारत, फाइनल खेलने वाला देश इंग्लैंड भारत के साथ जो रनर अप रहा है। उसके बाद इस टीम में सबसे जो आपका इंग्लैंड टीम को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी, जो उनकी इंग्लैंड टीम का कप्तान था, उसका नाम था टॉम क्रेस्ट। भारत की टीम की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट किया है, भारतीय कप्तान जिसका नाम यश धूल है। और फाइनल मैच में जो इस टूर्नामेंट को में फाइनल जो मैन ऑफ द मैच रहा है, उसका नाम है राज बावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसके मतलब याद रखने की कोशिश रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। थैंक यू।